साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का अंतिम चुनाव, आखिरी चुनाव, सातवें चरण का चुनाव जारी है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक यह चुनाव होना है। वही 11 बजे तक के कुल वोटिंग परसेंटेज जो है सातवें चरण के लिए वो 22% है। 22% मतदान 11 बजे तक कुल उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 54 सीटों के लिए हो चुका है। वाराणसी में 21.19% मतदान हो चुका है। आजमगढ़ में 20.09% मतदान हो चुका है। मऊ में 24.33% मतदान हो चुका है। गाजीपुर में 20.05% मतदान हो चुका है। चंदौली में 23.51% मतदान हो चुका है। भदोही में 22.24% मतदान हो चुका है। मिर्जापुर में 23.41% मतदान हो चुका है। जौनपुर में 18.72% मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में सातवें चरण के लिए कुल 22% मतदान 11 बजे तक हो चुका है। सातवें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और 613 कुल प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में है। 613 प्रत्याशी की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। वहीं आजमगढ़ की 10 विधानसभा पर ये चुनाव, वाराणसी के 8, मऊ के 4, गाजीपुर के 7, जौनपुर के 9 और मिर्जापुर के 5, चंदौली के 4, सोनभद्र के 4 और भदोही के 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। 11 बजे तक कुल 22% मतदान हो चुका है। सातवें चरण के लिए सोनभद्र में 18.67% मतदान हो चुका है। वाराणसी में 21.19% मतदान हो चुका है। आजमगढ़ में 20.09% मतदान हो चुका है। मऊ में 24 और लगातार परसेंटेज जो है मतदान के जो प्रतिशत है वो बढ़ते जा रहे हैं। और राजनीतिक विश्लेषक योगेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ेंगे, जो परसेंटेज है वोटिंग की उस पर हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे। तो राजनीतिक विश्लेषक योगेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, अब बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। अभी तक जो 11 बजे तक कुल मतदान का प्रतिशत है वो 20% है, 20% मतदान हो चुका है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पे अभी 11 बजे का टाइम है और 9 जनपदों की ये 54 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। करीब 2.6 करोड़ मतदाता इस समय मतदान करेंगे। तो अब जैसा कि देख ही रहे हैं कि अभी एक सूचना भी आई है कि फर्जी वोटों को लेकर दो पक्षों में बवाल भी हुआ और ये पूर्वांचल बड़े बाहुबलियों का क्षेत्र है। यहाँ बहुत सारे बाहुबली आप देखेंगे, चाहे वो धनंजय हो, चाहे मुख्तार जी के पुत्र हो, चाहे वो तारा सिंह जी हो, बहुत सारे लोग हैं, सब अपने अपने आज भाग्य को आजमा रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे जो इस बार वोटिंग होने वाली है, वोटिंग धार्मिक ध्रुवीकरण के हिसाब से नहीं होगी, जातीय समीकरणों के आधार पे ज्यादा वोटिंग होगी और इसी तरीके के फैक्टर आपको देखने को दिखाई देंगे। क्योंकि देखिए, वहां आप समझिए कि सबका अपना अपना एक वोट बैंक है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, या अपना दल का हो, या सुभाषपा का हो। तो ये लोग जो लास्ट जो चरण में पहुंच चुके हैं, ये तय कर देगा कि 3 दिन बाद कौन सरकार में आने वाला है, कौन सरकार से बाहर बैठने वाला है, विपक्ष में बैठने वाला है। तो नतीजे सब जनता के सामने होंगे और जनता कहीं ना कहीं इस बार बहुत ज्यादा बदलाव के मूड में दिखी भी है, क्योंकि वह पीड़ित रही है बहुत सारी चीजों से। जनता ने कोविड का भी गाल देखा है, जनता ने महंगाई भी देखी है, जनता ने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी है जो उनके बच्चे लाठियां पड़ी हैं, पिटे हैं, नौकरी मांगी हैं, नौकरियां नहीं मिली हैं उनको, भर्तियां नहीं खोली गई। तो तमाम सारे बच्चों ने बहुत आंदोलन भी किए, अपनी बातों को रखने के लिए लखनऊ में जाके प्रोटेस्ट किए, बदले में उन्हें लाठियां मिली। तो ये सब चीजें बहुत सारे मुद्दे हैं। फिर स्थानीय मुद्दे होते हैं, लोकल समस्याएं होती हैं। तो कुल मिलाकर जनता फैसला कर देगी। 11 बजे तक आप देखिए कि 22% हो चुका है, 6 बजे तक वोटिंग होनी है, तो मुझे लगता है कि परसेंटेज भी आज ठीक ठाक हो जाना चाहिए। जी, क्योंकि इसी आपने बाहुबलियों की बात करी, अगर बात करें तो कई बाहुबली दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में है, कई मंत्री नेता भी चुनाव में है। बात अगर अब्बास अंसारी की करें, जिस तरह से लगातार चुनाव के पहले भी मुख्तार अंसारी एक चर्चा का मुद्दा थे, एक हॉट मुद्दा बने हुए थे, उसके बाद अब्बास अंसारी का एक वीडियो क्लिप सामने आया था जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं अखिलेश, आदरणीय अखिलेश यादव से बात करके आया हूँ कि 6 महीने तक कोई
होगी, पहले हिसाब होगा। तो इस पूरे वाक्या को किस तरह से देखते हैं आप, और इसका क्या कुछ असर वहां की जनता पर पड़ेगा, या फिर जो वर्चस्व है मुख्तार अंसारी का वो बरकरार रहेगा और उनके बेटे का भी वही वर्चस्व बरकरार रहेगा? देखिए, मऊ सदर से जो है अब्बास अंसारी जो है इस समय मैदान में है, वो जिस क्लिप की आप बात कर रही हैं वो मैंने भी देखी। मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा बड़बोलापन है, इस तरीके का बड़बोलापन जनता के सामने नहीं होना चाहिए। सरकार किसी व्यक्ति विशेष से नहीं चलती, सरकार जनता से चलती है। मुख्यमंत्री होता है, तमाम सारे मंत्री होते हैं और जनता के लिए काम किए जाते हैं। अगर कोई बाहुबल दिखाता है तो वो सरकार के लिए हानिकारक है, जनता के लिए भी हानिकारक है। तो इस तरीके की चीजें दिखाना, ये अपने आप को, आप अपनी छवि को दिखाते हैं कि किस तरह की छवि है, आप उसको सुधारना नहीं चाहते हैं, आप उसको आगे ले जाना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप वही चीज मेंटेन करना चाहते हैं जो पीछे से आपके साथ चली आ रही है, और आगे भी आप उसी को ले जाना चाहते हैं। तो ऐसे अगर आप बयान देते हो तो मुझे नहीं लगता है कि जनता आपके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करेगी। योगेश जी, से एक बात और निकल के सामने आ रही है, जिस तरह से लगातार जो अभी सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो समाजवादी पार्टी पर इस बात को लेकर निशाना भी साधते रही है कि समाजवादी पार्टी बाहुबलियों गुंडों की पार्टी है। तो अब्बास अंसारी का ये कह देना कि मैं अखिलेश यादव से बात करके आया हूँ, और इस तरह से अखिलेश यादव की छवि को कितनी धूमिल करता हुआ ये वाक्य नजर आता है, और अखिलेश यादव का भी इस पे अभी ऐसा कोई बयान नहीं आया ऑफिशियल, उन्होंने कुछ नहीं बोला, जिस तरह से लगातार अब्बास अंसारी उनके नाम को इसमें पर्टिकुलर मेंशन किया है उन्होंने, किससे उनकी छवि कितनी धूमिल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर रही है उनके इस छवि को लेकर कि वो गुंडों मवालियों की सरकार है। देखिए, सीधी सी बातें स्पष्ट है, अखिलेश यादव भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रदेश को चला चुके हैं, और जितना हम उन्हें जानते हैं, जितना हमने उन्हें समझाया कि बहुत सही स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, मुझे नहीं लगता होगा कि अब्बास अंसारी के साथ उन्होंने कोई ऐसा कमिटमेंट कहा होगा। अब्बास अंसारी अपने मन से कोई कयास लगाकर ऐसे बयानबाजी अगर कर रहे हैं तो ये उनका निजी विचार हो सकता है। देखिए, ना तो समाजवादी पार्टी की तरफ से, ना पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से, या किसी भी सपा नेता की तरफ से कोई इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई। भाई, प्रतिक्रिया व्यक्त तब करना चाहिए था जब कोई बात हुई होगी, कुछ कही होगी, है ना। तो ये मुझे लगता है कि इनका निजी विचार है, निजी इनका बयान होगा, और इस तरीके के बयान जनतंत्र में कहीं भी उचित नहीं होते हैं। जी, अगर बात किया जाए इस आखिरी चरण की, सातवें चरण की, नौ जिलों की और जो विधानसभा सीटें हैं उनकी, तो अभी लगातार चुनाव चल रहे हैं, कई बड़े दिग्गज भी मतदान करने गए, इसी बीच अनुप्रिया पटेल भी मिर्जापुर में मतदान करने पहुंची हुई थी, और उन्होंने ये दावा किया कि जो एनडीए गठबंधन है वो मिर्जापुर में 5 की 5 सीटें जीत रही है और अपने काम के दम पे जीत रही है। तो ये एक इम्तहान जो है वो क्षेत्रीय दलों का भी है अंतिम चरण में, चाहे वो सुभाषपा हो, निषाद पार्टी हो, या फिर अपना दल ऐसो जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, इसको किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है, जो छोटे क्षेत्रीय दल है अंतिम चरण में उनकी परीक्षा है, कितने कामयाब होते हुए वो नजर आएंगे? निश्चित तौर पर देखिए, इस चीज को समझना होगा कि जो ये पूर्वांचल का क्षेत्र है और आज जो 9 जनपदों में चुनाव हो रहा है, 54 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, ये छोटे दल इसमें बहुत ज्यादा प्रभावी हैं। ये पूर्व के चुनावों में भी हम देख चुके हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, चाहे वो इस समय संजय निषाद हो, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे और भी तमाम सारे लोग हों, तो ये कहीं ना कहीं सब, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो चरण में चुनाव होने वाला है उसमें धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं होगा। जातीय समीकरण के आधार पर ये चुनाव और आज की वोटिंग जो है होने जा रही है। तो ये छोटे छोटे जो दल हैं ये सब अपने अपने जो है प्रभावी हैं, लेकिन ये समय बताएगा 3 दिन बाद कि कौन कितनी सीट लेके आ पा रहा है और कौन सरकार में बैठ पाएगा, किसने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। देखिए, जनता सब जानती है, जनता ने सारी चीजें देखी अपनी आंखों से, जनता का विश्वास है, जनता भी जानती है कि मेरा राम मंदिर से पेट भरने वाला है या मेरा नौकरी से पेट भरने वाला है। तो बच्चों को काम चाहिए, सबको काम चाहिए, एक ही तरीके की अगर आप थीम पे काम करते हो तो लोग बोर होने लग जाते हैं। तो बोरिंग जनता ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि जनता को देखिए चीजें चाहिए, काम चाहिए, रोजगार चाहिए। जब इंसान कमाएगा नहीं तो पेट कहाँ से भरेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी तो अपराध बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब जैसे कि अखिलेश यादव ने बहुत सारे वादे किए हैं कि भर्ती करेंगे, पुरानी पेंशन देंगे, तमाम सारी नौकरियां खोलेंगे, तो युवाओं में कहीं ना कहीं इस चीज का क्रेज भी है। वही चीज योगी आदित्यनाथ जी नहीं कर पाए, तमाम सारे विभागों में भर्तियां रुकी पड़ी रही, निकाल ही नहीं पाए। बच्चे जब मांगने गए, 69,000 वाली देख लीजिए, चाहे होमगार्ड वाली देख लीजिए, पुलिस वाली देख लीजिए, कोई सी देख लीजिए, बच्चों ने जब जब आंदोलन किए, जब जब लाठियां पड़ी, महाराज जी कहते रहे कि हमने इतनी नौकरियां दे दी,
बच्चे सड़कों पर चिल्ला रहे हैं नौकरियां दे दीजिए। आप कहाँ दे दी, किसको दे दी, वो महाराज जी ज्यादा जानते होंगे, योगी जी ज्यादा जानते होंगे। बहरहाल जनता जो है बदलाव चाहती है, बदलाव इसलिए चाहती है, बहुत बुरा बुरा समय जो है पिछला देख लिया, चाहे वो कोविड का ही हो। कोविड में जनता तरस गई हर चीज के लिए, कोविड में समझिए कि लकड़ियां नहीं मिली, कफन तक के लाले पड़ गए, डॉक्टर ऑक्सीजन तक के लाले पड़ गए, तो जनता ने कहीं ना कहीं झेला, वो दर्द झेला। लेकिन ये भी कहना है कि वो सरकार के हाथ की बात नहीं थी कोविड ओविड लाना, लेकिन व्यवस्थाएं सरकार को ही करनी है, व्यवस्था सरकार ही करती है, तो उसमें ये लोग फेल रहे। तो इन चीजों का प्रभाव कहीं ना कहीं मुझे लगता है। अब देखिए किसान आंदोलन रहा, तमाम सारे किसान जो है साल भर तक बैठे रहे, तो ये चीजें असर छोड़ेंगी अपना, और पूर्वांचल में भी बहुत बड़ी तादाद में जो है किसानी है, किसान है, तो वो असर दिखाई देगा। अभी बात रोजगार नौकरी की हो रही है, अभी शिक्षक अभ्यर्थी का भी चर्चा हुआ, जो शिक्षक अभ्यर्थी है योगेश जी, वो लगातार पहले SCERT कार्यालय, फिर भाजपा कार्यालय के बाहर, सपा कार्यालय के बाहर, बसपा कार्यालय के बाहर लगातार हर जगह धरना प्रदर्शन किए और उनपे लाठीचार्ज भी हुई। उसके बाद अखिलेश यादव की जनसभाओं में जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो बड़ी मात्रा में दिखे, जैसे कि 2017 में भी एक सामने आया था कि जो बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां हुई थी उसमें भीड़ तो बहुत उमड़ी। शिक्षक युवा अभी भी अखिलेश यादव का साथ दिखा रहा है, हमेशा से अखिलेश यादव का जो एक दावा रहा है कि युवा उनके साथ है, शिक्षक अभ्यर्थी भी उनके साथ होने का दावा कर रहे हैं, ऐसे में कितना बड़ा वोट बैंक आप देखते हैं अखिलेश यादव की तरफ युवाओं का जाता हुआ, क्योंकि रोजगार एक अहम मुद्दा है, कोविड में काफी हद तक युवा बेरोजगार हुआ है और रोजगार एक अहम मांग है युवाओं का। कृष्णा जी देखिए समझने की बात है कि सरकारें वादे बहुत सारे करती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, पूरे उतने नहीं कर पाती। लेकिन मैं इस बात को भी कहूंगा कि जब इस बार अखिलेश यादव ने बहुत सारे वादे जनता के बीच में जाके किए हैं, आपने देखा होगा, मैंने कई सारी रैलियां उनकी देखी है, कई सारे जनपदों की देखी है, कि जो भीड़ उनके साथ चली उस भीड़ में आपको युवा बहुत बड़ी तादाद में मिले होंगे। उन्होंने देखिए युवाओं के लिए खूब सारे वादे किए कि ये वाली भर्ती कर देंगे, फौज की कर देंगे, आर्मी की कर देंगे, पुलिस की कर देंगे, इस विभाग की कर देंगे, उस विभाग की कर देंगे, दुनिया भर की कर देंगे, करेंगे। मतलब जो उनसे युवा है जो जुड़ रहा है वो इसी बात पे तो जुड़ रहा है कि अगर ये सरकार आती है समाजवादी पार्टी की तो कहीं ना कहीं इतनी चीजें कहीं है, 10 चीजें कहीं है, तो 5 चीजें, 7 चीजें, 8 चीजें कुछ तो होंगी, कुछ तो लोगों को रोजगार मिलेगा। अब देखिए यूक्रेन में से तमाम सारे बच्चे देश में लौट के आए हैं, बहुत सारा पैसा उनके माता पिता ने लगाया, पैसा लगाने के बाद भी उन बच्चों की जो है डिग्रियां नहीं हो पाई, तो 20-25-30 हजार जो भी बच्चे आए हैं वो सब बेरोजगार हैं ना, सबको काम चाहिए, कहीं ना कहीं ढूंढेंगे, कोई किसी हॉस्पिटल में भागेगा, कोई कहीं भागेगा, पढ़ाई तो पूरी नहीं हो पाई, पढ़ाई पूरी होने से पहले ही नेस्तनाबूत हो गया उनका मामला सब। तो आप देखिए बहुत बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश में युवाओं की, पढ़ के बच्चे निकल रहे हैं, पढ़ने के बाद जब बच्चों को काम नहीं मिलेगा, बच्चों के हाथ में काम नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर देखिए मानसिकता केवल आप एक ही जगह सेट नहीं रख सकते हैं, केवल आप मंदिर मंदिर या शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान ही करेंगे तो वो ज्यादा दिन की नहीं है, पब्लिक एक बार देख लेगी, दो बार देख लेगी, काम कब तक नहीं चाहिए भाई, काम चाहिए ही चाहिए, काम नहीं होगा, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। देखिए बेरोजगारी के, महंगाई के बहुत बड़े मुद्दे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैंने पूर्व के टाइम में जब पूर्व की सरकार थी देखे कि गले में सब्जियों की माला होती थी, हाथों के आगे सिलेंडर रखे होते थे, बैलगाड़ियों पर चल रहे थे, चीजें बिगड़ रही हैं। अब देखिए दूध भी 56 रुपए हो गया, तेल पे पैसे बढ़े जा रहे हैं, गैस पे पैसे बढ़े जा रहे हैं, तो गरीब तबका आप समझिए कि पूर्वांचल में बहुत सारा तबका ऐसा है कि जो मेहनत तो मजदूरी वाला है, कहाँ से इतनी चीजों को जो है कर पाएगा, झेल पाएगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों को काम भी चाहिए, बच्चा पढ़ के जब निकल रहा है मेहनत कर रहा है, काम ही नहीं मिलेगा तो किसकी तरफ देखेगा वो। जी बिल्कुल योगेश जी, विधानसभा चुनाव का 7वां चरण है, आज चुनाव समाप्त हो जाएगा, रिजल्ट 10 तारीख को आएगा। विधानसभा चुनाव में ऐसा पहली बार इस तरह का देखा गया है कि 7ों चरणों में चुनावी मुद्दे अलग अलग रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग मुद्दे रहे हैं, बुंदेलखंड के अलग मुद्दे रहे, रुहेलखंड के अलग मुद्दे रहे, अवध के अलग रहे हैं, पूर्वांचल के अलग रहे। हालांकि आज पूर्वांचल में चुनाव है, पूर्वांचल का अहम मुद्दा एक गंदा पानी का भी है, मऊ और बलिया के तरफ की अगर बात की जाए तो आर्सेनिक वाटर में आर्सेनिक भी बड़ी मात्रा में पाई जाती है और इस समस्या का जो समस्या सॉल्व नहीं हो पाने की वजह से लोगों में कैंसर जैसी बीमारी भी भारी मात्रा में निकल के आ रही है, लोग स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं और कैंसर जैसी बड़ी
बीमारी का इलाज जो वहाँ का स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ इलाज नहीं हो पाता है। तो जो ये पानी का मुद्दा है, प्रदूषित पानी का मुद्दा है, ये कितना बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुद्दे के साथ साथ सबसे अहम बात ये भी योगेश जी निकल के सामने आती है कि जनता के स्वास्थ्य की बात है, और स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में रहा है। जिस तरह से स्वास्थ्य महकमा बेनकाब हुआ है कोविड के दौरान, लोग ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, बेड के लिए भागते हुए नजर आए। ऐसे में दूषित पानी की वजह से एक नई बीमारी प्रदेश की जनता को सता रही है। किस तरह से इसको देखते हैं और इस चुनाव पर कितना असर डालेगा यह मुद्दा जो प्रदूषित पानी का है? देखिए, सबसे पहले इसको समझना जरूरी होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी अपना कैंपेन कर रहे थे सत्ता में आने के लिए, तो तब मुझे याद है वो मथुरा की एक सभा में कह रहे थे कि अगर हम सत्ता में आए तो यमुना और गंगा को अविरल और निर्मल बना देंगे। जी, जी। अब देखिए, अब यमुना ले लीजिए चाहे गंगा ले लीजिए, दिल्ली से शुरू होती है, पीछे से दिल्ली के पीछे से शुरू होती है, दिल्ली होके जो यमुना जी आगे बढ़ रही है, केंद्र में बीजेपी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी, आज तक उस यमुना का कुछ नहीं हुआ। वो जो पानी आ रहा है पीछे से गंदा आ रहा है, वो कोई यमुना का पानी नहीं है। वो जितने कल कारखाने चल रहे हैं मलमूत्र का पानी है, वो यहाँ होकर जा रहा है। अब आप आगे की बात कर लीजिए मऊ की, मऊ का इतना गंदा पानी है, मऊ के आसपास का इतना गंदा पानी है, या आप तो कैंसर की बात कर रही है, त्वचा की बहुत सारी समस्याएं लोगों को हो रही है, लीवर किडनी लोगों के खराब हो रहे हैं। मुझे पता है, मैंने जब जानकारी की, मुझे लोगों से पता लगी तो बहुत सारे लोगों की तो आंखों की रोशनियां कम होने लग गई है उस गंदे पानी की वजह से, क्योंकि अच्छा पानी नहीं है, इतना उसमें केमिकल है और इतना वो मतलब सेहत के लिए खतरनाक है कि लोगों के ऑर्गन्स तक उससे खराब हो जा रहे हैं। तो ये मुद्दा है, मुद्दा ये भी है, इसके साथ में बेरोजगारी भी मुद्दा है। वहां के लोगों पे काम की व्यवस्थाएं नहीं है, कृषि के लिए उत्तम व्यवस्थाएं नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता देखिए परेशान रही है, उसने पुराना वक्त भी देखा है, आज भी वो देख रही है। जनता चाहती है लाभ की स्थिति में आए, कोई भी सरकार आए जनता के लिए काम करे, और जब सरकार वादे ही वादे करेगी, वादे की घुट्टी पिलाएगी, तो जनता कब तक पिएगी, जनता भी समझदार है। जी योगेश जी, अगर आप बात महिलाओं की करें, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से जातिगत पर ध्रुवित रहा है, ध्रुवीकरण हमेशा से जातिगत का रहा है। हमेशा से कहा जाता है कि एक तबके के वोट को साधने की कोशिश की जाती है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का जो एक अपना नारा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40% टिकट महिलाओं को दिया गया, इसको किस तरह से आप देखते हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना बड़े बदलाव के रूप में इसको आप देखते हैं, और महिलाओं को क्या सच में ध्रुवीकरण बनाने में कामयाब हो पाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा? देखिए, मैं एक बात से केवल उनकी से सहमत हूँ, जो उन्होंने कहा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और 40% जो है उन्होंने महिलाओं की भागीदारी इसमें सुनिश्चित कर दी, ये बहुत अच्छा कदम है। मेरा मतलब जो मानना है कि जैसा प्रियंका ने किया वैसा ही भागीदारी हर पार्टी को महिलाओं की सुनिश्चित करनी चाहिए, महिलाओं को आगे लाना चाहिए। अब बात करते हैं प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में क्या कर पाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी बहुत बड़ा इस समय कमाल कर पाएंगी, क्योंकि अभी जो वो काम कर रही है वो 2024 की तैयारी लगती है, वो उत्तर प्रदेश चुनाव में खड़े होने की तैयारी कहीं नहीं लगती है। जितनी उनकी मतलब पिछली बार सीटें रही हैं उतनी ही हो जाए तो मतलब ज्यादा होगा, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की बहुत ज्यादा सीटें आ रही हैं। लेकिन योगेश जी, महिलाओं को जिसे शांत वोटर्स के रूप में देखा गया, 2019 लोकसभा में महिलाएं जिस तरह शांत वोटर्स के रूप में सामने आई, और कहीं ना कहीं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका ये भी कहना था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, तीन तलाक के चलते, जो तीन तलाक का कानून आया था उसके चलते महिला वोटर जो है वो भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पास गई, और इस बार भी हम लोगों ने कवरेज के दौरान देखा कि महिलाएं शांत वोटर के रूप में आ रही हैं। तो महिलाओं के इस शांत रहने को और शांत होकर जो वोट दे रही हैं, अपने मुद्दे नहीं बता रही हैं, क्या कुछ अंदाजा आप इससे लगा रहे हैं कि किस तरफ वो जा रही हैं, उनके मुद्दे क्या हो सकते हैं महिलाओं के? क्योंकि महिलाओं को एक मौका, एक स्टेज प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिया, उनमें एक जुनून भरा है उन्होंने, तो किस तरह से आप इस वाक्य को देखते हैं जो शांत वोटर के रूप में महिलाएं सामने आ रही हैं? देखिए, आज के चुनाव में 613 में से 75 तो महिलाएं इस समय मैदान में हैं। बात हम अगर वोटरों की करेंगे तो देखिए, इस बार का जो इलेक्शन हो रहा है 7 चरणों का, आप देख लीजिएगा कि कोई भी चरण रहा हो, प्रत्येक चरण में वोटर जो है बड़ा साइलेंट रहा है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं ने कई सारे चरणों में महिलाओं की भागीदारी कम रही है, कई चरणों में जो देखने को मिला है कि महिलाओं ने अच्छी तादाद में जो वोटिंग की, और ऐसा ही आज का चरण है, महिलाएं जो अच्छी तादाद में वोटिंग करने जाएंगी। लेकिन आप मुस्लिम तबके की बात करें, आप कह रही हैं कि मोदी जी ने कहा कि
बहुत भारी तादाद में 2019 मुस्लिम में, महिलाएं हमारे साथ रही 2019 हैं, में तो ऐसा ये उन्होंने कहा तो था। इतना आकलन मेरा भी है कि पूरे तरीके से कोई किसी के साथ नहीं होता। वोटर उनके हो सकते हैं, मुस्लिम उनकी तरफ जा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, अच्छी बात है, वोट देना सभी का अधिकार है, लेकिन एक ही चीज पे, अगर एक ही मुद्दे पे आप चाहते हो कि 370 पे या 3 तलाक पे या महिलाएं आपको वोट देती रहें, तो मुझे नहीं लगता कि हर बार मेरा एक ही दिमाग रहेगा कि मैं मोदी ने 370 कर दिया या 3 तलाक कर दिया तो मैं हर बार मोदी जी को वोट देता रहूं, क्योंकि तो मैं शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूं, तो मैं देखूंगा कि वर्तमान के मुद्दे क्या है, सरकार ने कहा क्या, सरकार ने काम क्या किया। महिलाओं को भी सवाल करने चाहिए सरकारों से कि आपने जो चीजें कही वो करी क्या नहीं करी है। महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, जी महिला जी सुरक्षा की बात करते हैं, ये सब ने हमने पूरे देखा है उत्तर प्रदेश में, घटनाएं किस किस तरीके से हुई हैं, चाहे वो हाथरस वाली हो, चाहे वो मतलब तमाम सारी अन्य जगह की रही हो, महिलाओं के साथ में जो स्थिति उत्तर प्रदेश में हुई है उस सब महिलाओं ने देखा है। महिलाएं अच्छे से जानती हैं कि सरकार कितना कही और कितना कर पाई, तो मतदाताओं का मन है, मतदाता किधर जाएंगे ये आज सब तय हो जाएगा शाम को। जब 2017 पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठे थे तो उनके कई अहम मुद्दे थे, जिनमें से एक था एंटी भूमाफिया, भूमाफियाओं से जो गरीब और लोग हैं उनके जमीन को मुक्त कराना। और आज देखो बुलडोजर की प्रथा आई है, बुलडोजर चलाना कहीं ना कहीं एक वो भी उसी कड़ी में आता है। और आज भी एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री को ये कहते सुना गया कि मेरी सभा में बुलडोजर भी खड़ा है, और उनका ये भी कहना है कि जो उन्होंने भूमाफियों से मुक्ति दिलाई है लोगों को, उनकी जमीनें उन्हें वापस दिलाई है, इस मुद्दे पर भी जनता एक बड़े तबके में उनकी ओर जाएगी। इस पूरे वाक्या को आप कैसे देखते हैं, और ये जो अहम एक मुद्दा था मुख्यमंत्री जी का एंटी भूमाफिया, जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे तो उनका एक अहम मुद्दा था, तो कितना कामयाब हो पाया इनका यह मुद्दा? कृष्णा जी, एक मुद्दा योगी जी का जब सरकार में आए थे तो ये भी था कि एंटी रोमियो, ये आपको भी पता होगी, जी, जी, वो एंटी रोमियो का हुआ क्या? एंटी रोमियो भी देखिए, आप कहने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, कह कुछ भी दिया जाता है, जब वो जमीन पे आके उनको उतारा जाए और सही मायनों में उनको जो है जनता के बीच में लाके काम कराया जाए तब चीजों को माना जाता है। महाराज जी ने निश्चित बुलडोजर चलवाई, पब्लिक भी कहने लग गई बुलडोजर बाबा, उनसे ऐसे कहने लग गई, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे करके संबोधित करते हैं मुख्यमंत्री जी को। बेशक बहुत सारे लोगों की उन्होंने जमीनें मुक्त कराई होंगी, लेकिन उसमें कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई लोगों के साथ जबरन की भी चीजें हुई हैं, और जबरन के भी अतिक्रमण के नाम पे या तमाम सारे छोटे मोटे फॉल्ट के नाम पे जमीनें गिरा दी गई या कर ली गई, लेकिन अगर गरीबों की जमीनें कहीं दबती हैं और वो मुक्त कराई गई हैं तो ये उनका एक अच्छा कदम माना जाएगा। लेकिन मुद्दे देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि मुद्दे बहुत सारे होते हैं, 7वां चरण है, विशेष चरण है, और ये सब तय कर देगा कि हवा किधर की तरफ चली गई है, क्योंकि देखिए युवा बहुत बड़ी तादाद में है, महिलाएं बहुत अच्छी वोटर हैं, निषाद बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे ओबीसी बहुत अच्छे हैं, तो सब कहीं ना कहीं आज वोट कर जाएंगे, और सब जो समस्याओं से ग्रसित रहे हैं, जो पीड़ित रहे हैं, जो वर्तमान में भी देख रहे हैं, वो उन सब समस्याओं के आधार पे लोग अपना माइंड सेट करके बैठे हैं। और देखिए कुछ तो जो लुभावने मुद्दे रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के रहे हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के रहे हों, जनता कुछ उनकी तरफ अट्रैक्ट होगी। जैसा सबको पता है कि कांग्रेस कहीं सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, बहुत ज्यादा सीटें लाने की स्थिति में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी के जो वादे या मुद्दे रहे होंगे जनता उनकी तरफ आकर्षित होगी। फाइट पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है, जनता इन्हीं दोनों की तरफ देख रही है, और किसकी तरफ जनता का रुझान है ये जनता आज शाम में स्पष्ट कर देगी। आज शाम में जब ओपिनियन पोल भी आएंगे तो रुझान पूरे स्पष्ट हो जाएंगे कि जनता किसे कुर्सी पे बिठाना चाह रही है। योगेश, इस विधानसभा चुनाव में जो जुबानी मर्यादा है उसको भी बेहद पार की गई है, जो जुबानी वार पलटवार था सुमला बना देंगे, ठंडा कर देंगे, मुख्यमंत्री जी के कपड़े जो जंग होते हैं उनके जैसे हैं, तो इस तरह को किसे आप देखते हैं? जिस तरह से एक जुबानी मर्यादाएं पार की जा रही है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, इसका क्या कुछ प्रभाव जनता पर पड़ेगा? क्योंकि आप जनता के एक तरफ आप जनता के विकास की बातें करते हो, आप जनता को आगे लेके जाने की बातें करते हो, युवा को शिक्षित करने की बात करते हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हो, साथ ही साथ आप अपनी जुबानी मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हो, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं और इसका कितना असर पड़ने वाला है? दरअसल देखिए, अब राजनीति में कटाक्ष करना जो है राजनीति का श्रृंगार बन गया है, बोलने से पहले कोई अपनी मान मर्यादा पद का ये ख्याल नहीं रखता कि हमारा क्या पूरे मैसेज जाएगा देश के साथ में, प्रदेश के साथ में, देश भी देखता है हमें, तो कहीं ना कहीं देखिए जो राजनीतिक बयानबाजी होती है तो बहुत सारी बार ऐसा भी देखा जाता है कि निजी तौर पे
हमले कर दिए जाते, अब्बा जान बोल दिया जाता है जब। जी अब देखिए गर्मी सर्दी की बात कर दी जी जाती है, या फिर कहीं आप जैसे प्रियंका गांधी को भी आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी के लिए एक बयान दे दिया गया था, इस तरह के बयानों की बात कर दी जाती है। तो मुझे नहीं लगता, राजनीति एक मर्यादित तरह से होनी चाहिए, मर्यादा के साथ ही सबको बोल वचन अपने रखने चाहिए, क्योंकि ये मैसेज जनता के अंदर भी जाता है, जनता भी इसको देखती है। जब राजनेता ही इस तरीके की बयानबाजी करेंगे, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर जनता पे क्या वो असर छोड़ पाएंगे अपना। तो कहीं ना कहीं ये श्रृंगार जो उन्होंने धारण किया हुआ, मुझे लगता है कि सभी को त्यागना चाहिए, उतारना चाहिए, और संयम के साथ में अपनी वाणी पे विराम रखते हुए जो तरीका है, जो कायदा है, उस कायदे के हिसाब से जो है सभी को बोल वचन अपने रखने चाहिए। क्योंकि सत्ताधारी पार्टी भाजपा के एक बहुत बड़ा जो इल्जाम है समाजवादी पार्टी पर, वो ये है परिवारवाद की राजनीति। इनके परिवार से ही कोई आगे आता है, इनके परिवार से ही मुख्यमंत्री बनता है। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं, जो परिवारवाद का एक आरोप लगा है समाजवादी पार्टी पर, किस तरह से इसको आप देखते हैं? कांग्रेस पार्टी पर भी परिवारवाद का एक जो आरोप लगा है, तो इस जो आरोप है परिवारवाद का, इसको किस तरह से देखते हैं आप, या फिर कितना सही है परिवारवाद राजनीति में? कृष्णा जी देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति करने का सभी का हक है, इसमें मतलब कोई ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ है कि एक परिवार के चार लोग जो राजनीति नहीं कर सकते हैं। अब राजनीति बात करिए तो राजनाथ सिंह जी के दो पुत्र हैं, वो भी राजनीति में हैं, अनुराग ठाकुर भी राजनीति में हैं, और तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के कम से कम ऐसे 40-45 नेता हैं जिनके परिवारी जन जो राजनीति में राजनीति करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको तो केवल टूल दिया जाता है, राजनीति के लिए टूल दिया जाता है, विषय बनाया जाता है कि एक ही परिवार जो है राजनीति कर रहा है। एक एक मैं पूछता हूँ कि एक परिवार में से 6 लोग राजनीति क्यों नहीं कर सकते, 8 लोग राजनीति क्यों नहीं कर सकते? सबका अधिकार है, सब राजनीति कर सकते हैं, संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। तो इसको बेवजह के ये मुद्दे बनाए जाते हैं केवल जनता के अंदर एक कॉन्सेप्ट घुसाने के लिए कि साहब हम ऐसा कर रहे हैं, ये परिवारवादी है, और हम परिवारवादी नहीं है, हम एक एक वादी है। तो सबको मालूम है, पूरे गूगल वूगल सब जगह लिस्ट पड़ी हुई है, बीजेपी के लोगों की भी, कांग्रेस के लोगों की भी, सपा बसपा के लोगों की। ये कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता कि राजनीति में होना चाहिए जी, क्योंकि जो बेटा बेटी, भतीजा भतीजी मोह है, वो तो हर पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है। और अगर बात किया जाए बाहुबली चेहरों की, तो जिस तरह मुख्तार अंसारी पर सिकंजा कसा गया, अतीक अहमद पर सिकंजा कसा गया, लोगों ने एक इल्जाम लगाया कि धनंजय सिंह पर क्यों नहीं। हालांकि धनंजय सिंह का आज परीक्षा है, वो मल्हनी विधानसभा से चुनावी मैदान में है, आज उनकी बीवी पहले से एक राजनीतिक पद पर बैठी हुई है। तो किस तरह से आप देखते हो धनंजय सिंह को, कितना मजबूत देखते हैं? लकी यादव जो समाजवादी पार्टी से सामने उनके है और खड़े हैं उनके सामने, और एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं धनंजय सिंह को? बाहुबली चेहरा है धनंजय सिंह। अब देखिए इस बात को ऐसे ही समझा जा सकता है कि एक पोस्ट वायरल हुई थी, आपने सभी ने पूरी मीडिया ने देखा होगा, पूरी सोशल मीडिया पे वो पोस्ट पड़ी रही कि बाहुबली धनंजय सिंह जो मतलब क्रिकेट खेल रहे थे, बता दिए कि इनामिया भी हैं। अब ऐसे में स्थिति का आकलन लगाया जा सकता है कि प्रदेश की सत्ताधारी सरकार के उनसे कितने नजदीकी संबंध है, कितने मतलब प्रिय है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के, कि वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, और एक तरफ आप बाहुबली कहते हो, मुख्तार अब्बास को कहते हो, आप दुनिया को कहते हो, उधर आप देखिए कि राजा भैया भी है ना जी। तो इनको तो खुली छूट मिल सकती है, बाकी आपके ऊपर मतलब अब दूसरे लोगों को आप एक तमगा दे सकते हो, और जो तमगे वाले आपके ही साथ लोग हैं आप उन्हें स्पष्ट छवि वाला बता के चुनाव भी लड़वा सकते हो। तो नीति सबके लिए एक होनी चाहिए, अपराधी है तो अपराधी है, भला है तो भला है, मेरी पार्टी में है तो भला है, आपकी पार्टी में है तो बदमाश है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए मोह सबको दिखाई दे रहा है कि अब धनंजय सिंह बाहुबली है वहां के, और जैसा जिला पंचायत में उन्होंने बड़े अच्छे तरह से जो है चुनाव जिता दिया अपनी धर्मपत्नी को, और इसी तरीके से अब वो इस समय मैदान में है, चुनाव लड़ रहे हैं। आप कुछ देर पहले घटना भी हुई है दोनों पक्षों में, लकी यादव और उनके पक्ष में जो है झड़प भी सामने आई, घटना भी हुई है। योगेश, दारा सिंह चौहान, इस बार विधानसभा चुनाव में दल बदल की राजनीति भी बहुत हुई है, पार्टी बदलने की राजनीति भी बहुत हुई है। दारा सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सपा में शामिल हुए हैं, कितने मजबूत और किस तरह से आप इनको देखते हैं? क्या कुछ लगता है अपनी पैठ ये बना पाएंगे? आज इनकी भी परीक्षा है, आज ये भी चुनावी मैदान में है।
ये भी घोसी मऊ पे और ये भी लड़ रहे हैं दारा सिंह चौहान, सब अपने भाग्य का फैसला कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इनको कोई नुकसान होने वाला है इस बार। जो मेरा जो आकलन कहता है कि ये किसी नुकसान की स्थिति में इस बार नहीं जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो पूरा जो 9 जनपदों की जो 54 सीटों पर जो इस समय मतदान होने जा रहा है, या एक से एक अब बड़ा नाम आपको देखने को मिल जाएगा, एक से एक बड़े इसमें मंत्री भी रहे हैं, जैसे ये देखिए पूर्व मंत्री भी रहे हैं, अनिल राजभर भी हैं, दुनिया भर के लोग हैं चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत लोगों की जो है प्रतिष्ठा इस समय दांव पे है, चाहे वो अपना दल कह लीजिए, सुभाषपा कह लीजिए, दोनों 5-5 सीटों पर इस समय मैदान में है। चुनाव आज अंतिम चरण का है, तो सबकी साख इस समय दाव पे लगी हुई है और सब अपना बेस्ट देने के प्रयास में है। लेकिन जनता का मन बना हुआ है, जनता पहले से सोच के मतदान करने गई है, जनता ने मुद्दों पे मतदान किया है, जनता ने किसी ऐसी चीजों पर नहीं किया कि सब। अब देखिए राम मंदिर का मुद्दा पुराना हो गया, राम मंदिर सबकी आस्था है, मेरी भी आस्था है, पूरे देश की आस्था है, पूरे प्रदेश की आस्था है, सबकी आस्था है। लेकिन लोग चाहते हैं कि अगर कोई भी सरकार हो तो वो काम करे, युवाओं की सुने, बड़े बुजुर्गों की सुने, महिलाओं की सुरक्षा रहे, बच्चों के लिए शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अच्छी व्यवस्थाएं हो, सब कोई सरकार को मतलब इसी तरीके से लेके आते हैं कि आप काम करोगे। पिछली सरकार ने काम नहीं किया, कम से कम आपको ला रहे हैं तो आप काम कीजिए, जब आप काम नहीं करोगे तो जनता निश्चित तौर पर बदलाव चाहती है। योगेश, एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश की राजनीति और पूर्वांचल की जब बात हो तो जातिगत समीकरण की बात ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है। समाजवादी पार्टी के एक MKY समीकरण है, मुस्लिम कुर्मी यादव समीकरण, भारतीय जनता पार्टी के एक अपना अलग वोट बैंक है। ऐसे में जो विधानसभा चुनाव का आगाज भी नहीं हुआ था उसके पहले जो स्वर समाज है उसको लेकर काफी बातें सामने आई थी। जो सतीश चंद है बसपा के, वो सबसे पहले सम्मेलन करना शुरू किए थे स्वर समाज के लिए, उसके बाद से लगातार कई नारे भी उनके सामने जो पिछले चुनाव में दिए थे सामने आए थे। और अब सबका ये कहना था कि पंडित वोट बैंक जिधर जाता है सरकार बना देता है। तो ऐसे में पूर्वांचल का चुनाव है, जातिगत पे आधारित रहता है, पंडितों और स्वर समाज की भूमिका कितनी देखते हैं आप? देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता रहा हूँ कि जातिगत समीकरण हर जगह मायने रखता है। मैंने पहले चरण में भी देखा, मैंने दूसरे चरण में भी देखा, मैंने तीसरे चरण में भी देखा। कहीं जाट ठाकुर की बात थी, कहीं बनिया वैश्य की बात थी, कहीं देखिए कुर्मियों की बात थी, कहीं दलितों की बात थी, कहीं मुस्लिमों की बात थी। तो ये 7वां जो चरण है इसमें भी मैंने पहले ही बताया था आपको कि धार्मिक आधार पे वोटिंग नहीं होने वाली है, जातीय समीकरण के आधार पर वोटिंग होने वाली है। क्योंकि देखिए सबका अपना एक तरीके का वोट बैंक है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सुभाषपा हो, अपना दल हो, सबके साथ में सबने अपना वोट बैंक बना रखा है। देखिए निषाद कहीं जा रहे हैं, ब्राह्मणों की बात आ रही है, ब्राह्मण जहां जाएगा, देखिए सरकार में जो है ब्राह्मणों के सबको पता है कि ब्राह्मण कितना दुष्ट रहा है, ब्राह्मणों के साथ कितनी चीजें जो है 4.5-5 साल के अंदर हुई है, तमाम सारे ब्राह्मण मारे गए, तमाम सारी चीजें देखने को मिली। लोग ये भी आरोप लगाने लगे कि मुख्यमंत्री ठाकुर है तो ठाकुरवाद ज्यादा हावी हो रहा है, ठाकुरों की ज्यादा चल रही है, ब्राह्मणों को दरकिनार कर किया जा रहा है। जैसे पिछली सरकारों में होता था कि यादव राज चल रहा है, यादवों की सुनी जा रही है। मायावती के टाइम में आपने देखा होगा था कि जब देखिए सब दलितों की बहुत ज्यादा चल रही है, दलित हर चौक की थाने में बैठे हुए हैं, हर विभाग में घुसाए हुए हैं। तो ये जातिवाद तो हावी रहता है, ये जातिवाद हावी रहेगा, इसको नकारा नहीं जा सकता, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बार ब्राह्मण जो है नाराज रहा है, ब्राह्मण ने भी बदलाव की स्थिति का मन जो है बनाया इस बार। हालांकि पिछली बार वैश्य ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में गए हैं, उससे पहले आपने देखा होगा कि मायावती ने 100 सीटें जो है दी थी, तो मायावती की सरकार बना दी थी ब्राह्मणों ने। तो पूर्वांचल में आप तो मतलब हम सभी ने देखा, हम जानते हैं कि ठाकुर और ब्राह्मणों का सीधा वहां अस्तित्व रहता है, ओबीसी का रहता है, निषादों का बहुत रहता है, कई सारी ऐसी जातियां हैं जो अपना प्रभाव अस्तित्व तो रखती है वहां पे। तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण ही आज के सामने वोट बैंक बन रहा है, जातिगत आधार पर ही आज की जो वोटिंग होने जा रही है। जी, एक छोटा सा सवाल और, जातिगत की बात हुई तो अपना दल जो है दिल्ली की पार्टी केजरीवाल और यहाँ पर संजय सिंह, जिस तरह से लगातार एक्टिव रहे आपका, और आपका कोई अपना जातिगत समीकरण नहीं है, सिर्फ विकास के मुद्दे हैं। लगातार मनीष सिसोदिया भी उत्तर प्रदेश आए, उन्होंने स्कूलों के विकास की बात कही, तो अपना दल की भूमिका को उत्तर प्रदेश में किस तरह से आप देखते हैं, जिसका कोई ऐसा जाति का मुद्दा नहीं है उत्तर प्रदेश में? और आपको क्या लगता है, जिस तरह से दिल्ली की जनता ने पसंद किया आपको, उत्तर प्रदेश की जनता क्या कभी अपनी पसंद अपनी रुचि दिखा पाएगी अपना दल में, कभी अपना दल प्रेजेंटेशन अपना कर पाएगा उत्तर प्रदेश में?
देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार हर किसी को है। केजरीवाल भी आ सकते हैं, अपना दल भी लड़ सकती हैं, मैं भी जाके, मेरी कोई पार्टी हो तो मैं भी जाके चुनाव लड़ सकता हूँ। वो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट वो है कि आप उस प्रदेश में जहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिस जनता के बीच में जा रहे हैं, आप उनको बता क्या रहे हैं, आप हैं क्या चीज, आप प्रेजेंट क्या करना चाहते हैं। तो कम से कम आपको, अब मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा हूँ या मनीष सिसोदिया जी की बात कर रहा हूँ, इनको उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तैयार करने में अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि दिल्ली की आबादी 2 करोड़ की है या 24-25 करोड़ की आबादी है। तो इस आबादी को समझाने में, इस आबादी के बीच जगह बनाने में आपको समय लगेगा। बेशक उन्होंने दिल्ली में बहुत अच्छे काम किए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा कोई अच्छी छाप आम आदमी पार्टी या अपना दल मुझे नहीं लगता कि छोड़ पाएगी। योगेश जी, 11 बजे तक 22% वोटिंग हो चुकी है, शाम के 6 बजे तक जो भी परसेंटेज होगा या तो बढ़ता है या तो घटता है, किसके खाते में जाते हुए दिखेगी ये वोट बैंक, क्या कुछ अंदाजा है आपका? देखिए, इस बार का वोटर जो है साइलेंट वोटर रहा है, वोटर ने जो है मतलब बड़े इत्मीनान से और शांति से जो वोटिंग करी है, क्योंकि देखिए देखा होगा कि जब भी वोट परसेंट बढ़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फेवरेबल रहा है। ज्यादा जब भी वोटिंग हुई है पिछले आप चुनावों में देखिएगा, जैसे जैसे चरणों में ज्यादा ज्यादा चुनाव वोटिंग होती गई, परसेंटेज बढ़ते गए, तो वो जो बीजेपी के लिए फायदा है, बीजेपी उतनी ज्यादा सीटें लेके आई और वो सत्ता में जो काबिज भी हुआ। इस बार देखिए कि परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं जा रहा, 58, 59, 57 इसी तरीके से रह जा रहा है। तो आज 11 बजे तक जो देखिए 22% हो गया, दोपहर में लोग थोड़ा मद्दा हो जाता है, मतदान की स्पीड मद्दी हो जाती है, शाम तक भी अगर जब 6 बजे तक पूरा जब लास्ट आएगा तो मुझे लगता है कि वही 57 से 58 तक होना चाहिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब बढ़ पाएगा। जी बिल्कुल योगेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक विश्लेषक योगेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने अपना मत रखा कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो किसके खाते में जाएगा, और वही लगा तमाम और बड़े चेहरों पर भी उन्होंने बात कही, और साथ ही साथ उनका यह भी मत है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास और धर्म के मुद्दे से आगे बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 22% मतदान अब 11 बजे तक हो चुका है, वाराणसी में 21.19% मतदान हो चुका है, आजमगढ़ में 20.09% मतदान हो चुका है, भदोही में 22.24% मतदान हो चुका है, मिर्जापुर में 23.41%, जौनपुर में 18.72% मतदान हो चुका है। तो अब देखना यह है कि शाम तक ये मतदान का प्रतिशत कितना बढ़ता है, और जैसा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में चुनाव है, 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, तो देखना यह होगा कि कितना यह प्रतिशत बढ़ता है, और बढ़ता है तो किस खाते में जाता है, किस खेमे में जाता है, और जनता ने किसको सत्ता की चाबी दी है यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।